रांची में मकर संक्रांति के अवसर पर राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा गरीबों की दुकान पर जरूरतमंद लोगों के बीच दही चूड़ा तिलकुट एवं कम्बल का वितरण किया गया। इस पर्व पर कोई भी गरीब भूखा न रह पाए, जिसके लिए सुबह से ही राष्ट्रीय युवा शक्ति के सदस्य गरीब लोगों को दही चूड़ा खिलाते दिखे। इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने कहा कि हम जरूरतमंद लोगों को मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा का भोज कराते हैं और कम्बल वितरण करते हैं। उन्होंने कहा कि आज के दिन कोई उदास न रहे, उनके चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास हम कर रहे हैं। या शक्ति वाला संक्रांति में गुड़ खा रहे हैं, चूड़ा खा रहे हैं, दही खा रहे हैं और तिलकुट खाए हैं। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच में, क्योंकि आज मकर संक्रांति है तो आज के दिन वो उदास ना रहे, उनके चेहरे पे खुशी लाने के एक छोटी सी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष भी हम लोग आज के दिन हम लोग दही चूड़ा तिलकुट लावा बादाम चट्टी, और क्योंकि ठंड भी दो दिन से काफ़ी बढ़ चुका है तो वैसे ज़रूरतमंद लोगों के बीच में हम लोग कम्बल भी देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज का दिन जिसके पास व्यवस्था नहीं है, कम से कम उसके चेहरे पे हंसी लाने का राष्ट्रीय युवा शक्ति का ये एक छोटी सी प्रयास है। मैं यही चाहूँगी कि हम लोगों का लक्ष्य है कोई भूखा ना रहे, और मकर संक्रांति के दिन आप देख रहे हैं कि चूड़ा दूध दही और हमारा काफ़ी आइटम रखा हुआ है, और हम चाहते हैं जितने भी गरीब लोग हैं भूखे ना रहे और वो मकर संक्रांति अच्छे से सेलिब्रेट करें। हमारा लक्ष्य यही है। राष्ट्रीय युवा शक्ति जो परिवार है, हम लोग हर चीज़ मतलब हर फेस्टिवल को लेके चलते हैं, ताकि लोग अगर अपने घर में सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे तो हम लोग ये परिवार है राष्ट्रीय युवा शक्ति, जो हम लोग चाहते हैं कि सबको आए और जुड़े और हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करें।